तो जतिन ने बोला गेट बंद करो, गेट बंद करो. उसने गेट बंद कर दिया. तो मैंने जतिन बोला जतिन गेट खोल. तो बोले गेट बंद रहने देना, इनको निकलने नहीं देना. मैं कहा जतिन गेट खोल नहीं तो मैं गेट तोड़ दूंगी. क्या हुआ था उस दिन कि मतलब सो मैं अच्छे से काम कर रही थी. क्या दिन का? होली का दिन था. या सो क्या होता है ना, एक अगर आप बोलो कि जैसे अक्सर मैं कमेंट सुनती हूँ, पढ़ती हूँ अगर थोड़े बहुत, तो लोगों का ये कहना है 15 साल से बात क्यों. तो 15 साल तक तो कुछ था ही नहीं, कोई इशू ही नहीं था. टिल 2008 तक देयर वाज नॉट इवन, यू नो, ऐसा कुछ नहीं था कि आप इतना बड़ा शो छोड़ के चले. शो ने फेम भी दिया है 100%. आई एम देयर बिकॉज ऑफ दैट. ओनली आप इंटरव्यू ले रहे हो उसकी वजह से. तो शो में ये मैं था कि आई वॉज ग्रेटफुल फॉर द शो. ठीक है, चल रहा है, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है ओके. लेकिन 2000 हाँ, अक्टूबर 2018 के बाद जो सोहेल का मेंटल हरासमेंट हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स. अब ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट. मेरा पासपोर्ट का क्या पोजीशन पे है सोहेल, क्या संभालते हो? ही इज द प्रोजेक्ट हेड. अच्छा, तो ऑपरेशन हेड, प्रोजेक्ट हेड. तो आसित मोदी की जगह सब उसको जूनियर आसित मोदी बोलते हैं. ओके, वो सब डिसीजंस वो लेता है. इवन आसित जी भी उससे डरते हैं. ये ऐसा सोहेल भी बोलते थे और ऐसा सब बोलते थे. और देखा भी हमने बहुत चीज कि वो एकदम उसको से बोलते शांति रखो शांति ऐसे करके ना बोलते थे. सो 2018 तक तो कुछ था नहीं. 2018 के बाद ये मेंटल हरासमेंट चालू हुआ. मेरा हाफ पर डे काटा, मेरा पेमेंट रोक लिया. मैं आसिफ जी का जो सेक्सुअल हरासमेंट वाली सब चीज़ें उन्होंने बोली. सोहेल ने जो मेरे बेटी का पासपोर्ट का इंसिडेंट था, एक पासपोर्ट का, उसने अपॉइंटमेंट कैंसिल करा के सब बहुत गाली गलौज किया मुझसे. फिर वापस बोला कि उसी दिन ले लो ऐसे सब. मतलब अच्छा, ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई क्योंकि मैं इतना बोल चुकी हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती उस बारे में. तो ये सब होके मैंने सोहेल को बोला था 2019 में कि मुझे छोड़ना है. तो उसमें भी मुझे दबा दिया गया कि आप नहीं छोड़ सकते, आप छोड़ोगे तो आपका 4 महीने का पैसा रोक लेंगे, आपको अगले 6 महीने तक भी काम करना पड़ सकता है, 4 महीने तक भी, जब तक नई रोशन नहीं आएगी. जबकि मैं उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थी. तो फिर मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ और हमारे हिसाब से करना पड़ेगा, हो सकता है हम बुलाएं, हो सकता है हम ना बुलाएं, ऐसा. तो मतलब मैं अभी पैसा भी नहीं मिलेगा, बाहर घर पे भी बैठूंगी. मैंने कहा इससे अच्छा तो ये मेंटल हैरेसमेंट सही करके मैं कंटिन्यू किया. वो चल रहा था कि चल अवॉइड करते गए वो. बट आफ्टर लॉकडाउन इन लोगों का एटीट्यूड काफ़ी अच्छा हो गया. अच्छा. सोहेल का भी, सोहेल से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी. ही यूज्ड टू गेट कार्ड रीडिंग फ्रॉम मी, मेरे से हीलिंग का कुछ पूछता था वो. बहुत हम लोग बैठ के घंटों घंटों बातें करते थे, यू नो, पर्सनल चीज़ें शेयर करते थे. उसके बच्चे हुए थे तो उसने सबसे पहले मुझे मैसेज किया था सुबह, उसको ट्विंस हुए थे. तो एंड देन 7 मार्च को होली थी, 7 मार्च 2023. तो जिस दिन खेलते हैं होली, तो पहले वो 8 मार्च को गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर की थी. तो इसलिए मैंने 7 मार्च की छुट्टी नहीं मांगी थी कि यू नो, पहले 8 मार्च को थी कि 7th को तो ये एडजस्ट हो जाए, एडजस्ट हो जाएगी. नहीं, 7th को डिक्लेयर की थी, 7th का पहले था छुट्टी डिक्लेयर. तो मैंने छुट्टी नहीं मांगी थी. सडनली इनने 8th की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गवर्नमेंट ने. तो मैं फंस गई यहाँ कि अरे मेरा तो अभी एनिवर्सरी भी है और होली भी है. एनिवर्सरी मैंने बोला चल ठीक है, वो तो डिनर कर लेंगे, कुछ हो जाएगा. बट मुझे ये था कि मेरी बेटी के साथ 2 घंटा होली खेलना था. मैंने 6 तारीख को हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ऋषि दवे, मैंने उसको बोला मेरे को ऐसा ऐसा आधा दिन ऑफ चाहिए. तो बोले मैम वैसे तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं. मैंने कहा 2 घंटे भी मिलेगा मुझे चलेगा, मुझे मेन सुबह 11 से 1 के बीच में टाइम चाहिए है. वो टाइम पे मेरे सोसाइटी में होली होती है, तो मुझे सिर्फ मेरी बच्ची के साथ थोड़ा सा खेल के आना, तेरे को चाहिए तो मैं सुबह आऊँगी, आके चले जाऊँगी, देन वापस आ जाऊँगी, है ना. तो बोले हाँ हो जाएगा. मैंने सोहेल को भी बोला, सोहेल ने बोला डायरेक्शन टीम कर रही है जिस, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड मैं जब जा रही हूँ तो जतिन ने मुझे बोला कल सुबह 7 बजे आपका फर्स्ट शॉट. तो मैंने कहा, मैंने ऋषि की तरफ ऐसे देखा, मैंने कहा तूने तो बोला था 2 बजे के बाद बुलाएगा. तो मैंने डोंट वरी आई लीव यू अर्ली. मैं अगले दिन गई 7 बजे और इनने 11:30 बजे करीबन मेरा एक सीन कंप्लीट किया और मुझे दूसरे सेट पे जाने को बोला. तो मैं दूसरे सेट पे जब गई तो हर्षद सर ने, मैंने बोला, मैंने दूसरे सेट पे हर्षद सर को फ़ोन किया, अभी मेरे ही काम था तो मैंने उनको फ़ोन किया. मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, मेरा क्लोज ले लो, तो मेरे को जाना है. तो बोले अच्छा तू जल्दी आ जा, किसके साथ है तेरा? मैंने कहा मुनमुन और अंबिका के साथ. बोले आ जा तू. तो मैं गई फटाफट, तैयार हो गई चेंज वेंज करके, मैं गई सेट पे. तो बोले नहीं अभी तो नहीं हो सकता है, अभी यहाँ का हो रहा है, वो उधर है तुम्हारा. तो मैंने कहा कि सर तो मेरा क्लोज ले लो. यहाँ नहीं, क्लोज नहीं, मुझे 2 शॉट ही चाहिए है.
तो नहीं मैं बोले कि अभी यहाँ का हो रहा है तो ये जगह चेंज नहीं हो सकती, तो मैंने और तुम्हारी जो आर्टिस्ट है अंबिका दूसरे सीन में, तो मैंने कहा सर तो मेरा आप क्लोज ले लो, नहीं बोले जी टू शॉट चाहिए, तो मैंने बोला कि सर छोड़ दो मेरा क्लोजअप, बोले नहीं, मैंने कहा सर मैं 2 बजे आ जाती हूँ, नहीं, मैंने कहा सर मैं कल आ जाती हूँ, नहीं, एनीवेज मैं रूम में गई, आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग, मैं वापस बाहर निकली, मैंने ऋषि को सेम चीज़ बोली, सेम ऋषि ने बोला नहीं कर सकता मैं सबका एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, बहुत सारे आती अलग अलग आर्टिस्ट का जो और एडजस्टमेंट है, वहाँ मेरा दिमाग ठनका कि मतलब मैं पागल हूँ क्या, मतलब मैंने भी बोला है तेरे को मेरी एनिवर्सरी है, मेरी बच्ची के साथ मुझे होली खेलना है, 2 घंटे अगर 15 साल देने के बाद 2 घंटे मेरे को मैं मेरी बच्ची को होली की नहीं दे सकती हूँ तो मतलब क्या है। तो मैंने उसको बोला कि तो उसने बोला नहीं मैं सबका नहीं कर सकता करके मैं रूम में गई, मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोने, मुझे एकदम घुटन होने लगी। मैंने मयूर को फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि तुम घर आ जाओ, तो मैंने बोला इन लोग मेरे को मेरा रोक लेंगे 3.5 महीने का पैसा, बोले रोकने दो, दान दे दो उनको, मैंने बोला इन लोग मेरे को रिप्लेस करें, मैंने करने दो। तो वो मेरे को इतना स्ट्रेंथ दिया ना वो चीज़ ने, मुझे याद है मैं से उठ रही थी तो मेरी रूम पार्टनर ने बोला हैट्स ऑफ टू यू जेना, काश मेरे में ऐसी हिम्मत होती। मैं निकल के आई, मैंने हर्षद सर को जाके बोला, मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, तो बोले अरे नहीं नहीं ऐसा, मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, नहीं होगा, आपको चाहिए मैं 2 बजे आ जाती हूँ, नहीं नहीं जेना, मैंने कहा सर अगर मैं रुकी ना आई विल कमिट सुसाइड, नहीं रुक सकती मैं। तो मैं निकली और मैंने अपना सामान पैक किया, उतनी देर में मैंने एज अ प्रोटोकॉल आई हैव टू इन्फॉर्म जतिन जो हमारा ईपी है, मैंने उसको फ़ोन किया, उसने उसका फ़ोन एंगेज था, मतलब हर्षद सर तब तक उसको बता रहे होंगे। मैं जब तक सामान पैक किया और जतिन का फ़ोन, नहीं मैम रुको मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जाना नहीं अब। मैं आई, मैंने बोला मैं जा रही हूँ, जतिन बोले मैम आ रहा हूँ मुझे 10 मिनट दो, मैं 7-8 मिनट उसके लिए रुकी, तब तक नहीं आया वो, मैं निकल के कार में जाके बैठी, तब तक जतिन आ गया। जब उसने आके बोले नहीं मैम आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते, मैंने कहा जतिन मेरे को जाने दे, अभी मेरे को जाने दे, इट्स 11:45 मेरे को घर जाते थे 12:30 बजे का, 1 बजे मेरे घर की होली खत्म हो जाएगी, मेरी बच्ची को मैंने पूरे साल वो होली का वेट करती है यार, आई जस्ट नीड्स हाफ एन आवर विथ माई डॉटर यार, नथिंग इज आई विल कम बैक एट 2:00। तो बोले कि नहीं मैम आप ऐसे नहीं जा सकते, उसने सोहेल को फ़ोन लगाया, बोले एक बार बात करो सोहेल से बात करो, मैंने कहा मेरे को नहीं करना, बोले नहीं एक बार बात करो, तो मैंने सोहेल को बोले, सोहेल बता क्या हो गया क्या हो गया, मैंने कहा सोहेल ऐसा ऐसा है ये वो एडजस्टमेंट, तो बोले नहीं आप रुको मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा सोहेल मेरे पास टाइम नहीं, अभी 12:15 हो गया अब मैं रुकी ना, बोले नहीं मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैंने कहा सोहेल मैं नहीं रुकूँगी अभी, मैं नहीं रुकूँगी करके मैं जाने लगी, तो जतिन ने बोला गेट बंद करो गेट बंद करो, उसने गेट बंद कर दिया। मैंने जतिन बोला जतिन गेट खोल, बोले गेट बंद रहने देना इनको निकलने नहीं देना, मैं कहा जतिन गेट खोल नहीं तो मैं गेट तोड़ दूँगी, तो फिर वो डर गया, तो फिर गेट खोला उसने, मैं बेजैसी बाहर निकली हूँ, और ये अगर सोहेल उस टाइम पे नहीं आया होता ना तो कुछ इश्यू नहीं होता, मैं वापस चले जाती, सब कुछ नॉर्मल हो जाता। दूसरी चीज़ अगर मालव होता, हर्षद सर की जगह मालव होता ना, ये इशू ही नहीं हुआ होता कभी, क्योंकि वो कुछ भी ऐसे करके ना दूसरा ले लेता और अब जाके तब तक आ जाते, कुछ भी करके वो कर देता है। उसने मुझे अभी कितनी बार बोला कि मैम मैं होता तो करता नहीं, मैं तो मुझे मालूम, मतलब पहले भी कभी कोई चीज़ें हुई हैं लेकिन हमेशा तूने कर दिया है, चाहे अपनी बहस हुई है चाहे कुछ, उसने किया है एडजस्ट यू नो। तो मैं जैसी बाहर निकली तो सोहेल आया, तो एकदम से उसने गुस्से से मेरे कार का दरवाज़ा खोला, बोले क्या नाटक कर रही हो, क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ मेरा टोटल सटकी, मैंने बोला क्या करेगा रे, तो मेरा 3 महीने 3.5 महीने का पैसा रुकेगा, रख मेरी तरफ से नीला टेल फिल्म्स को ध्यान है, और क्या करेगा तो मेरे को रिप्लेस करेगा, आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रोन आउट इन माय प्रेगनेंसी, और क्या करेगा, तेरा कंटिन्यूटी का शूट बाकी है ना, आई विल कम एंड डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट गिव मी पर डे फॉर दैट डे, एंड आई लेफ्ट। तो मैं तो उसने ना उस टाइम पे दरवाज़ा गुस्से से बंद किया, बहुत जोर से बैंग किया और चिल्लाया गेट आउट, 4 बार चिल्लाया गेट आउट कर करके रिप्लेस करो इनको, एंड आई केम, बस उसके बाद देयर वाज नो हियरिंग बैक। उसके बाद आपको कभी बुलाया नहीं गया?